पठानकोट में शुक्रवार रात अपने बेटे को ढूंढते हुए घर से बाहर निकली एक महिला को धोखे से झाड़ियों में बुलाकर एक युवक ने उस महिला से बलात्कार करने की कोशिश की। पीड़ित महिला ने बताया कि उसका बेटा रामलीला की रिहर्सल देखने के लिए गया हुआ था, लेकिन जब देर रात तक उसका बेटा घर नहीं पहुंचा तो वह उसे ढूंढने के लिए बाहर निकली। उसी वक्त एक युवक ने उसे कहा कि उसका बेटा उधर झाड़ियों में बैठकर सिगरेट पी रहा है। जब महिला अपने बेटे को देखने के लिए झाड़ियों के करीब पहुंची, तो उस युवक ने महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और उसके साथ मारपीट भी की। इसी छीना झपटी के दौरान महिला के कपड़े भी फट गए और महिला के शोर मचाने पर कुछ लोगों ने युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई की। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जहां एक ओर महिलाओं की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए कई कठोर कानून बनाए जा रहे हैं, वहीं इस तरह की घटनाओं में लगातार वृद्धि भी हो रही है। इस घटना के बाद इलाके की महिलाओं में खौफ का माहौल है एवं लोग पकड़े गए अपराधी के खिलाफ सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। बच्चों का फोन आया कि बसंत कॉलोनी कोई भी जी वारदात हुई है, उसके बारे में उन्होंने हदायत करती है जो भी बनती कार्रवाई है इमीडिएटली की जाए। पठानकोट से धर्मेंद्र ठाकुर की खबर, इंडिया अब तक के लिए।